हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस जीएस क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट उत्तर प्रदेश। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश पर डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप सिटी से हो, चाहे आप गाँव से बिलोंग करते हो, पर ये क्वेश्चन, ये फॉन्ट, ये फैक्ट आपको आने चाहिए। चाहे आप स्कूल लाइफ में हो, चाहे आप स्कूल के बाद, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉलेज लाइफ स्टूडेंट के लिए और नॉन कॉलेज लाइफ स्टूडेंट के लिए, तो सबको ये फैक्ट आने चाहिए। और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आपके आसपास अगर आपकी शादी भी हो रही है ना, तो उनके लिए आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपकी शादी में भी पूछ लेते हैं, मैं जनरली पूछा है, मतलब जनरली हमने देखा है। तो करते हैं स्टूडेंट आगे क्लास को। तो आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। आप, हम लोग कहाँ पर रहते हैं? उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक इंडिया का एक राज्य है। कैसा? इंडिया का एक राज्य है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है। दो पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पास आउट करना है, राइट? उसके बाद हमें राजधानी पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ। ठीक, क्वेश्चन याद होगा। अब आपसे पूछ जाए, जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्य भाषा कौन सी है, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं? पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। कौन सी? हिंदी बोली जाती है और उर्दू बोली जाती है। जनरली आपने देखा होगा हिंदी मुसलमान और हिंदू दोनों लोग बोलते हैं, और उर्दू जनरली आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा उर्दू का उपयोग ही करते हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, इस पॉइंट को आप भी नोट डाउन कर लें। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हमारे उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, कमेंट करके जल्दी से बताएं। हमारे जितने बच्चे बालिका इंटर कॉलेज के होंगे, वो सभी को पता होगा अच्छी तरीके से। क्या है? टेसू। क्या चीज़ है? टेसू या पलाश। इसे अन्य नाम से, किस नाम से जानते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट पास आउट जरूर करें। क्या है, जल्दी से बताएं? इसे बोलते हैं जंगल की आग। क्या बोलते हैं? जंगल की आग। जंगल की आग। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फायर ऑफ द फॉरेस्ट। क्या बोला है? फायर ऑफ द फॉरेस्ट, राइट? अब आपको बताएं, इसके बाद आगे चलते हैं। जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ जाएगा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें, जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, कौन सा है? वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। आपको लखीमपुर खीरी से एक क्वेश्चन बताएं, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा लखीमपुर खीरी में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है। लखीमपुर खीरी में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे? लखीमपुर खीरी। कहाँ पर है? लखीमपुरी। लखीमपुरी में क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक। इसके बाद न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? संत रविदास नगर
संत रविदास कौन सा नगर है और ये इसमें इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, राइट। ये क्वेश्चन याद हो गए, सबसे ज्यादा वाला लखीमपुर खीरी और सबसे कम वाला संत रविदास नगर। मैं आपसे उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसे बहुत अच्छी तरीके से इसे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। आप देखते हैं बोलियां कौन कौन सी हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं और एक क्वेश्चन और समझिएगा, उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? ये भी आपसे जनरली पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश के जिले कितने, कितने जिले? 75 जिले, जिसमें से इसके टोटल मंडल कितने? मंडल है 18। कितने? कितने? 18 मंडल हैं। मंडल कितने? 18। जिला कितने? 75। जिला कितने? 75। और एक क्वेश्चन, संत रविदास नगर कैसा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की बोलियां कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश की बोलियां कौन कौन सी हैं? तो देखो कौन कौन सी बोलियां हैं। एक तो हमारी ब्रज भाषा, ठीक है, भोजपुरी। तो भोजपुरी जनरली आपके इलाहाबाद के पल्लंग कौन सी भाषा बोली जाती है? हालांकि सिर्फ भोजपुरी पूछी जाती है। और एक ब्रज भाषा और बिंदोली, बिंदेली, ठीक है, अवधी, खड़ी बोली और पंचाली, ये कहाँ की हैं? ये उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में बोलने वाली ये भाषाएं हैं, ठीक है, प्रमुख बोलियां हैं। अब इसके उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाता है प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं, इन्हें भी जान लो। एक है बिरहा, एक चैती, एक ढोला, एक कजरी, एक आला, एक पूरन, एक रसिया, एक भगत और का अर्तहिनी, अर्तहिनी, ठीक है, ये कौन है? प्रमुख लोकगीत हैं। अब इसके देखते हैं डांस, उत्तर प्रदेश के जो मेन जो डांस हैं वो कौन कौन से डांस हैं, लोक नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? कथक है, नौटंकी है, रासलीला है, झूला है, छपेली है और चरककुला है, चरककुला नृत्य है और कजरी है और करीना, ये कहाँ है? ये डांस है उत्तर प्रदेश के, ठीक। अब इसके अलावा और इम्पोर्टेंट कौन कौन से जो फाट हैं उन्हें भी जान लीजिए आप। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय वन एवं राष्ट्रीय उद्यान, एक तो हमने आपको बताया था दुधमा नेशनल पार्क है, एक चंद्रप्रभा वन्य जीव है, ये भी कैसा है? नेशनल है, ठीक है। एक सेंचुरी और है, वो सेंचुरी है, वो कौन सी है? एक है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव सेंचुरी, कहाँ पर है ये? ये चंबल में आपकी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से उत्तर प्रदेश पूरा कवरअप किया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, जल्दी से कमेंट पास आउट करें। बाकी के एक बार वीडियो दोबारा आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से कोई बाहर जा रहा होगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।